तो गाइस आ चुके हैं कॉर्नर वीडियो के साथ वापस ही। और इस वाली गेम प्ले वीडियो में मैं यहाँ पे मेरे अड्डे पे उतरा था। इस जगह को आप अपना अड्डा भी बुला सकते हो कि मैं मुझे पसंद है यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे गन्स मिल जाती है और बंदे नहीं उतरते। और मेरा यहाँ पे लक बहुत अच्छा रहता है टाइम गन का, कि MP5 मिल जाए वगैरह, पर अभी ऐसे कुछ नहीं था। तो फिर यहाँ पे मुझे मैं यहाँ पे वेयर हाउस में आता हूँ, ये क्योंकि एक बंदा यहाँ पे स्पोर्ट हो जाता है मुझे वेयर हाउस में आने के बाद, उसको बहुत डैमेज देता हूँ, एक हेड दिया। और वो मरता ही नहीं, मतलब वो पता नहीं क्या रहता है, वो मरता ही नहीं है। पर मैं यहाँ से हल्का सा फ्लाइंग मार के इधर तक आ जाता हूँ, और इधर आने के बाद वो मुझे दिखता है, वो मैं उसे मार देता हूँ। वैसे वो भी बहुत तगड़ा मार रहा था, अगर आपने देखा होगा मेरा हेड डैमेज किया वापस, मुझे 40 HP का छोड़ा उसने, मतलब बहुत ही खतरनाक खेला उसने मेरे हिसाब से। तो फिर मैं इसे लूटने आता हूँ, इसके बाद से मुझे ग्रूजा मिल जाती है। फिर ग्रूजा मिलने के बाद मैं यहाँ सबसे पहले तो उसको रिलोड कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें गोलियाँ कम रहती है। तो उसे रिलोड वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे भी लूटता हूँ। यहाँ पे लूटने के बाद मैं यहाँ पे आगे सिटी की तरफ जाता हूँ देखने बंदे मिलने के लिए मुझे। और फिर मैं यहाँ पे ये जो मेरी शॉटगन है वो चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहती। और फिर शॉटगन को चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे आगे और गन्स वगैरह की खोज में चलाता हूँ। और ये जो MP5, ये UMP मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यहाँ पे फ्री फायर में, उससे अच्छा आप MP5 ले लो, क्योंकि अगर आपने अभी देखा होगा कि वो कैसी थी। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे और सिटी से कार लेकर यहाँ पे आता हूँ, और ये देखो मेरे पे फायरिंग है, और मेरी जो फटी ना, मैं सीधा वहाँ से आता हूँ, हीलिंग मारता हूँ, तभी मुझे एक कॉल आ जाता है, और मैं वो कॉल लिटरली कट कर देता हूँ। वो आपको मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पे नंबर था, और वो मुझे उसको लगता है कि वो रोटेट करके आ जाए। और ये देखो अभी इससे गलती क्या होगी कि इसने एकदम दीवार के पास से आके जंप मारा, इसलिए वो मर गया। तो आप ऐसा कभी करना मत, जंप मारना मत। फिर मैं यहाँ वहाँ से यहाँ पे ड्रॉप पे आता हूँ, और ये बंदा मुझे लगा कि ये है, इसे मार दे, चल अभी है इसकी दिक्कत हटी, मैं हील करने लग जाता हूँ कवर में आगे। फिर यहाँ पे हल्की सी फायरिंग होती है, तो सोचा है वो तो बंदा नहीं था, बंदा तो कोई और था। देखा तो मुझे 15 HP का कर दिया था। 15 HP का करने के बाद मैं यहाँ पे रुखा रहा और देखता हूँ। और अगर आपको पता नहीं होगा कि वो बंदा यहाँ पे था, वो जहाँ पे ऊपर है ना, ये जो क्या बोलते हैं इसे, क्लॉक टावर नहीं, स्नाइपर टावर, यहाँ पे था। तो जहाँ पे मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ, वो रिलोड करने के बाद मतलब वो ऐसे जगह पर था ना जहाँ पे अगर मैं उस यहाँ पे पहाड़ होता, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे पहाड़ होता, तो मैं उसे मार पाता। और वो ऊपर की साइड था, तो उसे थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज था मेरा हेड कनेक्ट का, वो मुझे हेड भी कनेक्ट कर सकता था, उसका भी एडवांटेज था, इसलिए मैं उसे नज़रअंदाज करते हुए मैं आगे आ गया। मैं पीछे की तरफ जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं हीलिंग उठा के मैं ट्राई कर रहा था कि मैं उसे मार पाऊँ, पर नहीं मार पाया मुझे पता है। और यहाँ पे मेरी चार्ट देखो, मैं कम लिटरली वो आधी HP से भी कम थी,
और उस पर मैं बैठ के हील कर रहा था, तभी वो बंदे ने देखा और मैं उतर के यहाँ पे पीछे एक घर में आ जाता हूँ। और एक घर में आने के बाद मैं सोचता हूँ कि यहाँ से उसे मारेंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिल ही जाएगा। और मेरे पास यहाँ पे 4x स्कोप है ग्रोजा को, हाँ 4x स्कोप है ग्रोजा को, और ग्रो नहीं, ग्रोजा को 2x रहता है, और ये जो दूसरी गन है उससे अच्छा वाला स्कोप रहता है, 4x रहता है उसको, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी ये जो बंदा है ना, ये भी बहुत मस्त खेल रहा था, देखो अभी आप इसे, ये जो मैं इसे मार रहा था ना, ये बंदा तो गायब हो गया वो टावर वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कार की आवाज़ आती है और मैं हवा घूमता हूँ, और जो कार यहाँ से निकल जाती है क्योंकि कार को पता नहीं रहता मैं यहाँ पे हूँ, और ये बंदा दिखता है, और ये बंदा बहुत ही ओपी था भाई, इसीलिए एक लाइक बनता ही है, क्योंकि ये इतनी दूर रखे हुए मुझे डैमेज कर रहा है। और अगर आपको देखा होगा कि वो एआर से फायर कर रहा था, और एआर का यही नुकसान रहता है कि वो लेफ्ट और राइट ऐसे मारती है, मतलब वो उसकी गोलियाँ स्ट्रेट नहीं निकलती, कभी लेफ्ट से निकलती है, राइट से निकलती है, बीच में से निकलती है, ऐसे करके उसकी गोलियाँ चलती है एआर की, इसलिए मैं एआर नहीं लेता, एआर बोलो वापस। वो MP5 भी वैसे ही है, वो भी लेफ्ट राइट बीच में ऐसी चलती है, दैट्स व्हाई मैं उसे नहीं लेना पसंद करता हूँ। और मैं ऐसे लेता हूँ तो MP5, क्योंकि वो भी वैसी है वो गन्स की, पर वो इतना भी नहीं करती जितना वो बाकी के गन्स करते, इसलिए मैं उसे लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लूटता हूँ और देखता हूँ कि वो मुझे ना पार पाए, और अभी भी 3 बंदे अलाइव थे, और मैं यहाँ पे कोने कोने से चल रहा था कि बाय चांस मुझे एक बंदा मिल जाए तो मेरे मेरा 1-2 किल हो ही जाए। फिर यहाँ पे आगे गैराज रहता है, वहाँ से मैं बाइक उठा था सबसे पहले, तो यहाँ पे बाइक रहती है अंदर, सबसे पहले देखता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो था ना वो मुझे बंदा लगा, इसलिए मैंने ठीक से देखा, पर वो बंदा नहीं था, और ये क्रेट को मैं भी एक लूटने को आया था। और फिर यहाँ पे मैं बैठता हूँ, ये जो बाइक है उसमें यहाँ पे बंदा था दिख जाता है, पर वो मतलब दिखते ही कवर में चला जाता है, तो उस पर फायर क्या ही करे, तो इसलिए मैं ये गाड़ी उठा रहा हूँ। देखो अभी दिखते ही कवर में गया, मैंने स्कोप वगैरह खोला वो दिखाई नहीं, तो फिर यहाँ पे मैंने एक नेट डालने की ट्राई की थी जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, रहने दो, वो यहाँ पे ही गिर के फूट गया। फिर मुझे आगे जाके डालना चाहिए था, पर अगर मैं आगे जाता तो मुझे मार सकता था। और यहाँ पे मैं ग्रोजा हाथ में पकड़ता हूँ, गाड़ी में बैठ के एक थोड़ा सा लंबा फ्लैंक मार के जाता हूँ, क्योंकि अगर पास से जाऊँगा तो उसके पास कोई स्नाइपर रहेगी तो मुझे वो वहाँ से कनेक्ट करेगा, और जो लास्ट बंदा रहता है उसको उसने मार रहा था, मतलब मेरा किल चोरी करता है। फिर यहाँ पे ये जो कार है मॉन्स्टर ट्रक, ये मुझे चलाने में बड़ा मज़ा आता है, एक तो ये इतनी स्मूथली और धीरे चलती है, मैं क्या बताऊँ। और फिर यहाँ पे मैं हील वील करता हूँ, फोड़ने लग जाता है गाड़ी को, उतने में मैंने ये दूसरी वाली ड्रॉप वाली गन लेके उस पर फायर करना स्टार्ट कर दिया, और इजीली बुआ जीत गया मैं। और